हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफाली गिरधरवाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। और आज मैं आपको जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेकंड पार्ट में मैं कवर करूँगी प्रोविजंस को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ ई कॉमर्स वेंडर, यानी कि जो ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू को सप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा ट्रीटमेंट होगा ई कॉमर्स पोर्टल का, एक्चुअली उसी से रिफ्लेक्शन आएगा हमारे वेंडर के ट्रीटमेंट पे। जैसे अगर आपका जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो नोटिफाइड है सेक्शन 95 के अंदर, लेवी प्रोविजन के अंदर यानी के, तो फिर क्या है कि आपकी जो सप्लाईज हैं उन पे वो टैक्स पे कर रहे हैं, और उनकी टैक्स पे करने का मतलब है कि उसकी लेवी उनके ऊपर है, ऑटोमेटिकली वो लेवी आपके ऊपर नहीं है। तो उन सप्लाईज पे अब आपको टैक्स पे नहीं करना, उनकी आपकी जगह वो उस पर टैक्स पे करेंगे। सेकंड, अगर वो वहाँ पे नोटिफाइड नहीं है तो आपकी जितनी भी सप्लाईज हुई हैं उन सप्लाईज पे अब टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लेकिन आप उस टैक्स को पे करेंगे तो आपका जो TCS डिडक्ट किया है आपके वेंडर, आपके ई कॉमर्स पोर्टल ने, वो TCS का आपको क्रेडिट मिलेगा। और वो क्रेडिट आपको कैसे मिलेगा, वो GST 2 के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, वहाँ से आप उस क्रेडिट को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो आपके कैश लेजर में आएगा, अगर CGST के अमाउंट CGST में और SGST के अमाउंट SGST में, क्योंकि वो कोई क्रेडिट नहीं है, इट इज़ जस्ट एन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इटसेल्फ, आपकी तरफ से एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया गया, मतलब वो टैक्स उन्होंने पहले ही ले लिया है। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जब आप सप्लाई कर रहे हो किसी भी पोर्टल के थ्रू तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब डिडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए अब आपको भी सेक्शन 52 के प्रोविजंस थोड़े से देखने पड़ेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेक्शन 52 में जो अमाउंट डिडक्ट होनी है, जो परसेंटेज डिडक्ट होनी है, वो परसेंटेज अभी नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट, लेकिन इट कैन नॉट बी एक्सीडिंग 1%, 1% से कम होगी वो दोनों केसेस में। वो मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ कि CGST SGST आपको दोनों लॉ में अलग अलग देखना पड़ेगा। और वो डिडक्ट किस पे होगी, मतलब किस वैल्यू पे होगी, ताकि आपको पता रहे कि किस वैल्यू पे आपकी डिडक्शन होनी है। तो उसकी वैल्यू जो सेक्शन 52 बताता है, वो बताता है कि नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज जो आपकी एक मंथ में है उन पे आपका TCS डिडक्ट किया जाएगा। और नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज का मीनिंग क्या है, तो सेक्शन बोलता है कि नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई शैल मीन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 made during any month by the registered person through the operator reduced by the aggregate value of taxable supply returned during that month. So, आपके मंथ की जो सप्लाई है वो जिनमें से हमें 95 वाली सप्लाई लेस कर देनी है अगर कोई है तो, क्योंकि उस केस में आपको ऑपरेटर नोटिफाइड है तो वो ही उस पर टैक्स पे करेंगे। देन अगर उस मंथ के अंदर जो सप्लाई आपकी रिटर्न आ गई तो वो सारी की सारी आपको रिड्यूस करनी है। अब ई कॉमर्स पोर्टल के साथ में ये एक बड़ा इशू है कि रिटर्न्स बहुत होते हैं, और जब तक आप सेल करते हो तब तक आपकी सेल कंफर्म नहीं होती जब तक कि बायर उसको एक्सेप्ट ना कर ले। लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब तक उसके पास गुड्स को रिटर्न करने की टाइम फ्रेम की विंडो अवेलेबल है तब तक आपको नहीं पता कि वो आपके गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपको दिमाग में रखना है कि जितनी आपकी रिटर्न्स आ गई हैं वापस, वो रिटर्न्स आपको लेस करनी है। तो हर मंथ में जितनी सप्लाई हुई और उस मंथ में जितनी रिटर्न आई, अब उस मंथ की रिटर्न की बात नहीं है, जितनी उस मंथ के अंदर रिटर्न आई, तो वो हो सकता है कि पिछले महीने में जो आपने प्रोडक्ट सेल किया है उसकी भी रिटर्न हो, तो वो आपको सारी की सारी लेस करनी है। और फिर जो अमाउंट आई उस पर आपको टैक्स आपका डिडक्ट होगा। तो आपको कैलकुलेशन अगर चेक करनी है तो आप वो ऐसे चेक कर सकते हैं कि जितनी आपने सप्लाई की इस महीने में प्लस जितनी आपकी रिटर्न आई, उनकी वैल्यू आपको उसमें से रिड्यूस करनी है, उस पर आपका टैक्स डिडक्ट होगा। देन आपको रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी कब आएगी, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सेल करने वाले वेंडर्स हैं उनको विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट, जहाँ पे मेरी रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी है आप अगर देखेंगे तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो उसमें बनाया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे आपकी विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट लायबिलिटी आती है रजिस्ट्रेशन लेने की। तो उस केस में क्या है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी है वो विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट की है, अगर आपका ऑपरेटर 95 में कवर्ड नहीं है। अगर वो 95 में कवर्ड है तो आपकी विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी नहीं आएगी। सो
अगर वैसे आप कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो भी देखेंगे आज का भी, तो विदाउट आपके सेल्स टैक्स के या सर्विस टैक्स के रजिस्ट्रेशन के आपको ई कॉमर्स पोर्टल्स अपने यहाँ रजिस्टर नहीं करते हैं। उनकी प्री रिक्विजिट होती है कि आपका अगर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन है तभी वो करेंगे, एक्सेप्ट बुक्स। आप कभी अमेजन वगैरह पे करेंगे तो बुक्स को छोड़ के, क्योंकि बुक्स और एग्जाम बाकी सब में वो आपसे पहले आपका टीन नंबर वगैरह मांगते हैं कि भाई आप पहले रजिस्ट्रेशन करा लो, उसके बाद आप रजिस्टर होना। तो जीएसटी में वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी अनलेस अनटिल आप नोटिफाइड सब्सक्राइबर, आप नोटिफाइड ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सप्लाई नहीं कर रहे हैं। देन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपनी जीएसटी और 1, 2, 3 ही फाइल करनी है। आप अपनी जीएसटी और 1, 2, 3 नॉर्मल वाली फाइल करोगे, 2 के अंदर जो उसने फाइल किया है वो आपको रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा, उसका आप यूटिलाइज कर लोगे अपने पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपके कैश लेजर में है, तो अगर ये अमाउंट एक्सेस है तो आपको उसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हो, और वो रिफंड आप GSTR 3 के थ्रू ही क्लेम कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग से रिफंड मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कैश लेजर का बैलेंस है वो हम लोग GSTR 3 फाइल करते हुए ही उसको रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये थे बेसिक प्रोविजन जुड़े हुए वेंडर्स के साथ, जो वेंडर्स ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जब मैं बोलती हूँ कि सप्लायर के TCS काटने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बताई वो सिर्फ TCS काटने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपकी टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि आपकी टैक्सेबिलिटी डिसाइड होगी आपकी सप्लाईज के हिसाब से। आपकी सप्लाईज शुरू में गई हैं ऑन अप्रूवल, तो ये आपको एक बार देखना पड़ेगा कि आप उनको गुड सेंट ऑन अप्रूवल मानना चाहते हो, या आप उसको किस तरीके से बुक कर रहे हो अपनी बुक्स के अंदर, या आपको लगता है कि नहीं मेरी कंफर्म सप्लाई है, रिटर्न आ गई तो अलग बात है, मैंने सिर्फ एक टाइम फ्रेम उसको दिया हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अभी एनालिसिस के लिए ओपन है, क्योंकि मैंने भी इस पर कुछ कंक्लूड नहीं किया है कि अगर आप कोई गुड्स भेज रहे हो जहाँ पे अभी रिटर्न का टाइम फ्रेम बचा हुआ है आपके रिसिपिएंट के पास में, और ई कॉमर्स के केस में वो बहुत ही जेन्युइन केस बनता है, क्योंकि वहाँ पे जो गुड्स जाती हैं वो एक तरीके से अप्रूवल पे है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गुड्स होता है कि वापस आती हैं, और बहुत सारा रिटर्न्स मतलब कि टर्नओवर जो है रिटर्न्स के केस में जो नंबर ऑफ रिटर्न्स है दैट इज़ वेरी ह्यूज। तो जब आप शॉप पे जाते हैं जनरली तो आपको परचेज करते हैं तो वो एक ज़्यादा परमानेंट काइंड ऑफ परचेज होती है, वहाँ पे रिटर्न्स बहुत कम होती है, बट जब मैं ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू परचेज करती हूँ वहाँ पे नंबर ऑफ रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस है, इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू भी, कि अपनी ट्रांजैक्शन को आप भी एनालाइज करें, ये भी देखें कि कहीं मेरा ई कॉमर्स पोर्टल मेरे एजेंट में तो कन्वर्ट नहीं हो गया, कहीं वो मेरी साइड से सप्लाई तो नहीं कर रहा है, राइट? क्योंकि जहाँ पे आपकी साइड से वो सेल परचेज कर रहा है ही विल बी योर एजेंट, तो वहाँ पे उसको TCS नहीं काटना। लेकिन वहाँ पे फिर क्या इम्प्लीकेशन होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। GST के अंदर जो एजेंट को आप सप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल जो एजेंट को सप्लाई करेगा और जो एजेंट फर्दर सप्लाई करेगा, उनको दो सेपरेट सप्लाईज माना जाएगा। आप जो अपने एजेंट को सप्लाई करते हो उसको इवन विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि उस केस में कंसिडरेशन नहीं होगा, जब आप ई कॉमर्स पोर्टल को भेजोगे तो आप कंसिडरेशन ही चार्ज करोगे, तो इवन विदाउट कंसिडरेशन को आपकी सप्लाई मानी जाएगी, Schedule 1 के अंदर कवर हो जाएगी विदाउट कंसिडरेशन सप्लाईज के अंदर। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इसको आप जनरलाइज नहीं करेंगे, बिकॉज मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एजेंट हैं, मैं सिर्फ आपको ये बोल रही हूँ कि आपको हर अलग अलग पोर्टल के केस में देखना पड़ेगा, क्योंकि ई कॉमर्स सिर्फ फ्लिपकार्ट या अमेजोन ही नहीं है, वो सिर्फ एक मॉडल है। अभी अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, इवॉल्व हो रहे हैं ई कॉमर्स के डिफरेंट, कहीं पे आप सिर्फ ऑर्डर रिसीव कर रहे हो, कहीं पे आप ऑर्डर रिसीव करके डिलीवरी भी खुद ही सोर्स कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, कहीं पे आप दूसरों के गुड्स भी स्टोर कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी रिलेशनशिप कुछ और हो गई। तो सारे के सारे केसेस को हमें इंडिपेंडेंटली एनालाइज करना पड़ेगा। इसके लिए आपके कोई भी कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, या कोई भी मॉडल आप डिस्कस करना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट में शेयर कीजिए। जितना डिटेल में आप अपनी क्वेरी को शेयर करेंगे उतना ही उसको आंसर करना आसान होगा। सो फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।